चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने जो मेल पर ओएमआर सीट भेजी है वो किसी किसी स्टूडेंट को मिली है, किसी स्टूडेंट को नहीं मिली है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स इस प्रकार से आ रहे हैं कि अभी तक उन्होंने ओएमआर आंसर सीट रिसीव नहीं की है। तो मैं उन कैंडिडेट को बता दूँ कि उनको ज़रा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये जल्द ही उनके मेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो ये ज़रूर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ लॉगिन पर मिल जाएगी। अभी तक लॉगिन पर अपलोड नहीं की गई है, जैसे ही ये लॉगिन पर अपलोड होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अभी आज 14 अक्टूबर तक ये करेक्शन है फेज़ वन और फेज़ टू का। तो जैसे ही ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कल ये सभी स्टूडेंट के मेल उसमें लॉगिन में अवेलेबल हो, तो तब तक आपको वेट करना है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, ये सभी को देखने के लिए अवेलेबल होगी, वो लॉगिन में जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ज़रा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिन कैंडिडेट को नहीं मिली है वो मिल जाएगी, नहीं तो आप इसको चेक कर सकते हैं लॉगिन से। जिन कैंडिडेट को मिल गई है वो एक बार रिस्पॉन्स सीट का वेट कर लें, जैसे ही रिस्पॉन्स सीट अवेलेबल हो जाएगी दोनों को टेली कर लें, ओमार को और रिस्पॉन्स सीट को टेली कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कैसे चैलेंज करना है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी ओमार सीट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट आंसर सीट के बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी आंसर सीट रिलीज नहीं हुई है, आंसर सीट जैसे ही रिलीज होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।